हेलो स्टूडेंट्स, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो ब्रेक हो गया था। ओके, फर्स्ट वीडियो भी आपको सेंड होगा, सेकंड वीडियो मैं बना रहा हूँ। सो फर्स्ट मैंने आपको बताया, उसके बाद सेकंड। ओके, देर आर 2,28,369 मेन, देन 2,15,008 वुमेन एंड 1,98,326 चिल्ड्रेन इन अ टाउन। ओके, व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन, यानी एक टाउन में, एक सिटी में, एक शहर में टोटल 2,28,369 मेन है। ओके, इंसान। उसके बाद 2,15,008 वुमेन, औरतें हैं। ओके, और उसके बाद 1,98,326 चिल्ड्रेंस है। ओके, सो व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन इन द टाउन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन सभी की क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। ओके, तो हम इसको सबसे पहले अरेंज कर लेते हैं। आप वर्टिकली या फिर हॉरिजेंटली अरेंज कर सकते हो। ओके, नंबर ऑफ मेन इन द टाउन, ओके, नंबर ऑफ वुमेन इन द टाउन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द टाउन। ओके, यहाँ पे वर्टिकली अरेंज किया है और हॉरिजेंटली भी अरेंज किया है। तो हम वर्टिकली अरेंज करेंगे। ओके, टोटल मेन इज 2,28,369, ओके, देन वुमेन्स 2,15,008, ओके, देन चिल्ड्रेंस 1,98,326, ओके। प्लेसेस आप सभी को पता है, दैट इज वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड एंड लैक। ओके, सो अरेंज दिस नंबर्स एंड आफ्टर सॉल्व द फर्स्ट एडेड वंस। ओके, एडेड वंस 8+6, ओके, 8+6 14, देन 14+9 इज इक्वल टू 23। ओके, सो कैरी टू, कैरी 6+2 8, 8+0 8 एंड 8+2 10। ओके, सो यू कैन राइट नाउ 0 एंड कैरी 1। 3+3 6, +1 7, 8+8 16, ओके, +5 21, कैरी 2, 2+2 4, +1 5, 5+9 14, ओके, देन कैरी 1, 2+2 4, 5 एंड 6, सो 6,41,703 टोटल पॉपुलेशन इन दिस टाउन। मतलब उस टाउन की टोटल पॉपुलेशन है 6,41,703। ओके, तो इस तरीके से रियल लाइफ में सिचुएशंस एग्जांपल्स को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, ये मैंने आपको बताया। ओके, उसके बाद है सेल्फ प्रैक्टिस थर्ड सी। ओके, अभी एक एक एग्जांपल हम यहाँ पे देखने वाले, टोटल 8 एग्जांपल्स यहाँ पे आपको बताए गए। ओके, तो सबसे पहले मैं सेल्फ प्रैक्टिस का फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ मैं। ऑन ए हॉलीडे द शर्मा फैमिली स्पेंट रुपीज 13,458 ऑन पेट्रोल। ओके, ऑन ए हॉलीडे द शर्मा फैमिली स्पेंट रुपीज 13,458 ऑन अ पेट्रोल, देन रुपीज 13,765 ऑन अ फूड एंड रुपीज 20,900 ऑन अ स्टे। ओके, they also spent rupees 11,050 on a sightseeing and shopping. Okay, how much did the Sharma family spend in all? Okay, मतलब शर्मा फैमिली बाहर गई है, तो बाहर जाने के बाद पेट्रोलिंग पे उन्होंने इतना खर्चा किया है, उसके बाद खाने पे इतना खर्चा हुआ है, और उसके बाद रहने पे उन्होंने इतना खर्चा किया है, उसके बाद कुछ शॉपिंग करने के लिए उन्होंने खर्चा किया है। ओके, तो टोटल शर्मा फैमिली ने कितने रुपए खर्च किए हैं। ओके, इसकी टोटल आपको लगानी है, हाउ
हाउ मच डिड द शर्मा फैमिली स्पेंड इन ऑल, टोटल कितना खर्चा किया है उन्होंने, ये हमें फाइंड आउट करना है. ओके ये फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले इन सभी का एडिशन करना है. ओके एडिशन करने के लिए आप दो मेथड का यूज कर सकते हो, एक तो हॉरिजॉन्टली कर सकते हो या फिर वर्टिकली. ओके तो चलिए हम वर्टिकली इनको अरेंज कर लेते हैं और सेल्फ प्रैक्टिस. ओके सेल्फ प्रैक्टिस थ्राइस सी. ओके फर्स्ट एग्जाम्पल. सो ऑन अ हॉलीडे द शर्मा फैमिली स्पेंट 13,458. ओके 13,458. देन नेक्स्ट 13,765. ओके ये पेट्रोल पे, ये फूड पे. उसके बाद रहने पे 22,900. ओके देन दे ऑल्सो स्पेंट रुपीज शॉपिंग 11,050. ओके 11,050 ऑन साइट सीइंग एंड शॉपिंग. हाउ मच डिड द शर्मा फैमिली स्पेंड इन ऑल. ओके एडिशन साइन. सो एडेड वंस. ओके 8 + 5 = 13. ओके क्योंकि यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे जीरो है, तो हमने यहाँ पे 3 लिखा है, 1 कैरी. 5 + 5 = 10. ओके प्लस 1 = 11 + 6 = 17. ओके कैरी 1. देन 7 + 9 = 16 + 4 = 20 and 21. ओके कैरी 2. कैरी 2. 3 + 3 = 6. ओके 6 + 2 = 8, 8 + 2 = 10, and + 1 = 11. ओके कैरी 1. सो 1, 2, 3, 4, 5, and 6. सो टोटल 61,173 रुपीज इन स्पेंड इन ऑल. ओके मतलब टोटल शर्मा फैमिली ने 61,173 रुपीज वहां पे खर्चा किया है. ओके तो ये हुआ आपका फर्स्ट. उसके बाद हम सॉल्व करेंगे अभी सेकेंड. ओके सेकेंड देखते क्या है. सेकेंड देखिए इन एन एग्जामिनेशन. ओके एग्जामिनेशन का दिया है, इन एन एग्जामिनेशन 56,321 स्टूडेंट पास. ओके इफ द नंबर ऑफ फेलर्स आर 60,758. ओके फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपियर्ड इन द एग्जामिनेशन. अभी यहाँ पे देखो कि इन एन एग्जामिनेशन, एक एग्जामिनेशन में, एक एग्जाम में टोटल 56,320 स्टूडेंट्स पास हुए हैं. ओके और अगर इफ द नंबर ऑफ फेलर्स, अगर फेलर्स में 16,758 है. ओके दिस इज अ पास स्टूडेंट एंड दिस इज फेलर स्टूडेंट्स. ओके फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपियर्ड इन द एग्जामिनेशन. तो टोटल इस एग्जामिनेशन में कितने स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था, कितने स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए अपियर्ड हुए थे, ये आपको फाइंड आउट करना है. तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो पास स्टूडेंट है और जो फेल स्टूडेंट है. ओके दोनों को क्या करना है, प्लस करना है. ओके पास स्टूडेंट एंड फेल स्टूडेंट दोनों को प्लस करोगे तो आपको टोटल जो स्टूडेंट्स है वो स्ट्रेंथ आपको यहाँ पे मिल जाएगी. ओके तो चलिए करके देखते हैं. 56,321. ओके 56,321. सो फेलर स्टूडेंट्स 16,758. ओके देन 8 + 1 = 9. 3 + 2 + 5 = 7. 3 + 7 = 10. कैरी 1. 6 + 6 + 1 = 13. ओके कैरी 1. 5 + 2 = 7. सो टोटल स्टूडेंट्स आर अपियर्ड इन दिस एग्जामिनेशन 73,079. ओके
73,079 स्टूडेंट्स आर अपियर्ड इन दिस एग्जामिनेशन। ओके, तो इतने स्टूडेंट्स यहाँ पे अपियर्ड हुए थे एग्जामिनेशन के लिए। उसके बाद हम थर्ड देख रहे हैं, मनोज इनकम ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 2017 वाज रुपीज 3,15,780। ओके, नेक्स्ट ईयर हिज इनकम एक्सीडेड द प्रीवियस ईयर्स इनकम बाय रुपीज 79,200। ओके, 79,200। व्हाट वाज हिज इनकम इन द ईयर 2018? हाउ मच डिड ही अर्न इन दिस टू ईयर्स पुट टूगेदर? ओके, मतलब यहाँ पे ओके स्टूडेंट्स, दैट इज मनोज इनकम ड्यूरिंग द ईयर 2017 वॉज रुपीज 3,15,780। ओके, देन नेक्स्ट ईयर इज इनकम एक्सीडेड द प्रीवियस ईयर्स इनकम बाय रुपीज 79,200। ओके, यानी 2017 में जो मनोज की इनकम है, ओके, इस मनोज के इनकम में नेक्स्ट ईयर में 79,200 क्या हो गए, बढ़ गए। ओके, मतलब एक्सीडेड हो गए। सो व्हाट वाज हिज इनकम इन द ईयर 2018? तो 2018 में उसको कितनी इनकम हुई है? देन हाउ मच डिड ही अर्न इन दिस टू ईयर्स पुट टुगेदर, यानी दोनों साल की मिला के टोटल कितनी अर्निंग उसकी हुई है। ओके, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए कि 2017 में उसको जो मनोज की इनकम है वो है 3,15,780। ओके, मतलब ये हुई 2017 की। देन नेक्स्ट ईयर हिज इनकम एक्सीडेड द प्रीवियस ईयर्स इनकम बाय रुपीज 79,200। ओके, तो ये 2017 की है। तो 2017 की इनकम में अगर हम 79,200 ये जो इनकम है एक्सीडेड हुई हुई एक्सीडेड वाली इनकम जो है ये अगर यहाँ पे हमें ऐड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 2018 में उसको कितना यानी 2018 में उसको कितनी इनकम हुई है। ओके, तो चलिए करके देखते हैं। थर्ड नंबर पे सबसे पहले है 2017 की जो मनोज की इनकम है वो है 3,15,780। ओके, और एक्सीडेड जो इनकम है उसकी जो बड़ी बढ़ के मिल गई है, ओके, वो है 79,200। ओके, इसको प्लस करेंगे तो देखिए 0 + 0 = 0, 8 + 0 = 8, ओके, 7 + 2 = 9, ओके, 7 + 2 = 9, 9 + 5 = 14, कैरी 1, 7 + 2 = 9, देन 3 एज इट इज। तो यहाँ पे इनकम मिल गया, देखो 3,94,980। ओके, ये मनोज की 2018 की इनकम है। ओके, क्योंकि 2017 में उसकी इनकम क्या थी, 3,15,780। ओके, और एक्सीडेड इनकम है 79,200 जो उसको नेक्स्ट ईयर में मिल रही। ओके, तो 2018 में जो उसकी जो कंबाइन वैल्यू है वो है 3,94,980। ओके, तो ये है उसकी इनकम 2018 की। और बाद में पूछा गया है आपको कि व्हाट इज इनकम इन द ईयर 2018, ये हमने निकाला है, क्या इनकम है, 3,94,980। देन हाउ मच डिड ही अर्न इन दिस टू ईयर्स पुट टुगेदर? ओके, यानी दो साल की जो उसकी इनकम है वो कितनी है? तो यहाँ पे देखिए, ये 3,94,000 2018 की हो गई। ओके, मतलब यहाँ पे 3,94,000, ओके, यही पे लिख लेते हैं या फिर अलग लिख लेते हैं। ओके, 3,94,980। ओके, और 2017 की उसकी इनकम क्या थी, 3,15,780। अभी आप बोलोगे कि सर ये भी इसमें इंक्लूड करना चाहिए, तो ये इंक्लूड नहीं होगा, ये 2017 की उसकी इनकम है। ओके, और 2018 में उसको इनकम क्या मिली है, ये एक्सीडेड इनकम, ओके, ये इसमें ऐड करके मिली है, तो ये उसकी 2018 की।
और ये है 2017 की। ओके, तो 2017 की जो इनकम है उसको हम क्या करेंगे यहाँ पे ऐड करेंगे। ओके, 780 जीरो प्लस जीरो जीरो, एट प्लस एट 16, कैरी वन, नाइन प्लस एट 17, ओके कैरी वन, फाइव प्लस फाइव 10, ओके कैरी वन, नाइन प्लस टू 11, कैरी वन, ओके देन थ्री प्लस वन 7, ओके 7,10,760। ये उसकी दोनों साल की इनकम है, मतलब 2017 प्लस 2018, इन दो साल की उसकी इनकम क्या है 7,10,760। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम रुकेंगे अभी यहीं पे। मैंने आपको तीन एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व करके बताया, बाकी 4, 5, 6, 7 और 8। ओके, कुल मिला के 5 एग्जांपल्स है, 5 एग्जांपल्स आपको अभी जो समय मिल रहा है। ओके, मेरे ख्याल से 10 मिनट आपके पास होंगे, तो 10 मिनट में आप यहाँ से एक दो एग्जांपल सॉल्व कर सके तो भी बेटर है। अगर नहीं हो रहे तो आपको बाद में होमवर्क में इसको सॉल्व करना है। ओके, अगर किसी एग्जांपल्स में आपको प्रॉब्लम आती है, ओके, तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन बता दूंगा। ओके, तो आज हम रुकेंगे यहीं पे और नेक्स्ट पीरियड में हम देखने वाले प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। ओके, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। ओके, थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ, बाय, सी यू टुमारो।